ये आपके पास है क्वेश्चन, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए आप सब बच्चे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड बाय वर्ड ही हम बात करें तो ज्यादा अच्छा। और मैं हमेशा ये कहता हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स को एज ए होल कंप्लीट क्वेश्चन को आप मत पढ़िए, वर्ड बाय वर्ड इंटरप्रेट करिए वर्ड्स को इनटू सिंबल्स। क्या मतलब है? रोमिला वैन टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड, ठीक है सर, टू पेंसिल्स एंड थ्री इरेजर्स 4 रुपीज 9। ये मतलब, तो अगर इस वर्ड प्रॉब्लम में से मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करूँ, एक्सट्रैक्ट करूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है टू पेंसिल, एंड कह लीजिए आप प्लस कह लीजिए, थ्री इरेजर्स, ठीक है, 4 रुपीज 9 इज इट कॉस्ट इज 9। ये जो कॉस्ट इज 9 है तो मैं ये कह सकता हूँ इज इक्वल टू 9, और यहां लिख सकता हूँ कॉस्ट ऑफ टू पेंसिल्स एंड थ्री इरेजर इज 9। आपसे क्या कह रहा है? आपसे फिर उसने आगे कहना शुरू किया, हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विद रोमिला एंड शी ऑल्सो बॉट, क्या है बस, 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर ऑफ द सेम काइंड 4 रुपीज 18। यहाँ पे क्या हो गया? ये हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं केस वन फॉर रोमिला एंड फॉर सोनाली केस टू, 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स कॉस्ट इज रुपीज 80। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एलजेब्रिकली, ये आपके सिचुएशन एलजेब्रिकली आ गई, एंड ग्राफिकली, ग्राफ बनाना आपने सीखा। तो ये हमारे पास है कि हम क्या वर्ड्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू सिंबल्स, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अगर हम पेंसिल को पेंसिल ना कह के ये कह लें कि भाई कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन इरेजर इज वाई रुपीज, तो आपके पास क्या आ जाएगा? केस वन कह लीजिए या सोनाली का केस कह लीजिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टू पेंसिल 2x, थ्री इरेजर 3y इज इक्वल्स टू 9। और मैं क्या केस टू ऐसे लिख सकता हूँ, केस टू 4 पेंसिल 4x, सिक्स इरेजर 6y 4 रुपीज 80। सब बच्चे बताइए क्या ये बात सही है या नहीं। हाँ भाई, कोई भी बच्चा ऐसा जिसे समझ में ना आया, हमने क्या कहा है? सर एक बार और बता दीजिए। जी बिल्कुल, हमने क्या कहा है, टू पेंसिल्स एंड थ्री इरेजर 4 रुपीज 9, ये हमारे पास है। अगर हमारे पास ये इक्वेशन है टू पेंसिल्स एंड थ्री इरेजर्स, वन पेंसिल की कॉस्ट आप क्या सपोज कर सकते हैं? जो भी चीज यहाँ पे होगी, अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट, नंबर्स है तो नंबर्स, एज है तो एज, उसको हम सपोज करेंगे। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि वन पेंसिल की कॉस्ट एक्स रुपीज है, तो टू पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? कोई बच्चा बताएगा? हाँ बेटे, 2x, ठीक है। और वन इरेजर की कॉस्ट अगर वाई है तो थ्री इरेजर की कॉस्ट क्या होगी? 3y। 3y। चलिए मैं अब इसको दोबारा से एक तरह से और करता हूँ, मैं और इसको थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ।
आप ही को लेना है तो उसकी आपको समझ में आना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। Stop there. क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है आपका। देखो, टू पेंसिल्स एंड थ्री इरेजर फोर रुपीज नाइन एंड फोर पेंसिल्स सिक्स इरेजर ऑफ द सेम काइंड फोर रुपीज एटी। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है वो ये है पेंसिल, ये है पेंसिल, और वो भी क्या है टू पेंसिल्स कॉस्ट, टू पेंसिल कॉस्ट है ये। तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, हम ये कंसीडर कर सकते हैं लेट वन पेंसिल कॉस्ट इज एक्स रुपीज एंड वन इरेजर कॉस्ट इज वाई रुपीज। ठीक है बेटे, अब बताओ वन पेंसिल की कॉस्ट एक्स है तो टू पेंसिल की कॉस्ट क्या आएगी? टू एक्स। जहां आपके पास पेंसिल लिखा है वहां आप लिखेंगे एक्स, तो ये हो जाएगा टू एक्स। एंड मींस आप उसके साथ साथ ले रहे हो प्लस। इरेजर की कॉस्ट पे क्या करोगे आप? वन इरेजर कॉस्ट क्या है? वाई। तो टू इरेजर कॉस्ट 2y, 3 इरेजर कॉस्ट 3y। एक्चुअली मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा मल्टीप्लाई, भाई सपोज करो हमारे पास 1 पेंसिल जो है 10 रुपीस की, अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे हो तो 2 पेंसिल बेटे 2 into 10, और बेटे अगर 3 पेंसिल कहेंगे तो 3 into 10, और अगर 50 पेंसिल कहेंगे तो 50 into 10। तो क्या करते हैं नंबर्स को उसके 1 प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हम कर रहे हैं। तो जो भी हमारे पास नंबर्स हैं जैसा 3 इरेजर है तो 3 को y से मल्टीप्लाई कर इज इक्वल्स टू 9। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई 2x plus 3y is equals to 9। अब दूसरे वाली हमारे पास क्या है 4x plus 6y is equals to 18। अब बताइए सब बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? यस सर। हाँ भाई सब बच्चे बताएं सर, मुझे कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल इक्वेशन है, कॉस्ट रखनी है तो बस उसकी जगह हमें लिखना। तो हमें जो अपना स्टार्ट करना है वो हमें यहाँ से स्टार्ट करना होता है, हमारा जो ये तो हमने समझ लिया, हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होगा कि बी लेट वन पेंसिल कॉस्ट बी एक्स एंड वन इरेजर कॉस्ट बी वाई। तो आप जितना चाहे आसानी से कैस वन डाल दीजिए या आप लिख दीजिए सोनाली purchased two pencil and three erasers for rupees 9. So 2x 3y is 9. ये first equation. ठीक है, पहली कौन थी? पहली थी रोमिला, सोनाली दूसरी है। ठीक है, यहाँ हम सोनाली की जगह रोमिला लिखते हैं। एंड सोनाली परचेज
कितने पेंसिल्स थे? फोर, फोर पेंसिल्स एंड सिक्स इरेजर्स, फोर रुपीज 80. तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 4x 6y. सब बच्चे बताइए, समझ में आया? इतना सा सॉल्यूशन है हमारा. यस सर. हां भाई, सब बच्चे बताएं प्लीज. अब जरा मुझे एक चीज ध्यान से बताओ. आपको सिर्फ बेटे इस क्वेश्चन में ये मालूम नहीं करना था व्हाट इज द वन पेंसिल कॉस्ट, व्हाट इज द वन इरेजर कॉस्ट. एक्चुअली सिर्फ आपको एल्जेब्रिकली इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करना था, वो हमने कर दिया. बस ये हमने लिखा है इक्वेशंस बनानी, या फिर आपको ग्राफ करना है कि ग्राफिकली, तो आप ग्राफ कर सकते हैं. लेकिन मुझे सब बच्चे जरा ध्यान से देख के बताओ. फर्स्ट इक्वेशन है 2x plus 3y is equals to 9. और सेकंड इक्वेशन है बेटे 4x plus 6y is equals to 18. तो ये इक्वेशन कैसी है, कुछ नजर आ रहा है इसमें? सर, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. वेरी नाइस बेटे. क्यों बताया लामिया आपने ऐसा इनफाइनाइट? सर, बिकॉज़ वो a1 upon a2 plus b1 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. 1 upon 2 आ रहा है सबका. A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2. By 4, 3 by 6, 9 by 18 है ना बेटे? Yes sir. तो हमारे पास many solutions. और many solutions होता क्या है? जब coincident lines आए. ठीक है? तो अगर आप इसका graph draw करेंगे तो coincident lines आए. Same ही line आएगी दोनों equations. Very good. चलिए एक और देखिए जरा आप इसमें, आप बताइए. बस पहली में ही समझना था, दूसरा तो आप मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी से कर देंगे. थोड़ा सा सब बच्चे इन्वॉल्व होंगे प्लीज. बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, मैंने इसीलिए लिए हैं कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो. ये है बेटे, जरा जब बताइए जल्दी से सब बच्चे. आपसे कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय थ्री बैट्स. तो सेम प्रॉब्लम है, थ्री बैट्स. थ्री बैट्स प्लस सिक्स बॉल्स, फोर रुपीज 3900. ये मैं आप ही के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हो. कॉस्ट ऑफ, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है. एंड सेकंड हमारे पास जो गिवन है, लेट अस शी बाय अनदर बैट एंड थ्री मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, फोर रुपीज 1300. तो अनदर बैट, ओनली वन बैट एंड थ्री मोर बॉल्स, 4 rupees 1300. That is your equation 2. Yes or no? Yes sir. Represent this situation yes, algebraically and geometrically the same. So, aap phir kahan se start karenge? Again, hum yahan se lenge let 1 bat cost. X rupees 1 ball cost. Y rupees case 1 simple, 3x 6y case 2, x plus 3y is 1300. सब बच्चे बताइए समझ में आया नहीं है? Yes sir. सिर्फ यहां से हमें लिखना था, यहां से solution only. ये part है हमारा algebraical. graph बना दीजिए. इसमें अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास आएगा 3/1 is not equals to 6/3, so there will be intersecting lines. ठीक है सर? ये आप चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं. अगर आपसे कहा जाए फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन बैट एंड वन बॉल, बताइए किससे सॉल्व करें? यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, आप सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए. जब हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, अगर हम इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे आती, x plus 2y is equals to 1300. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आता.
और ये हमारा सेकंड इक्वेशन आता है। अब अगर आप देखोगे फर्स्ट में भी x के साथ 1 है और सेकंड में भी x के साथ 1 है, तो आप बहुत आसानी के साथ कर सकते थे 1-2। अगर आप 1-2 करते तो माइनस माइनस माइनस, तो आपके पास क्या आता, x माइनस x क्या आता बेटे, x और x कैंसिल, 2y-3y इज -y एंड 1300 जीरो बेटे। तो यहां से आपके पास वैल्यू आती y = 0। y = 0 को अगर आप 1 में रख देते, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, x = 1300, x + 2 × 0 = 1300, तो आपके पास आ जाता x = 1300। इस तरह से आप अपनी इक्वेशंस को सॉल्व भी कर सकते, ठीक है सर। अब जरा ये इक्वेशंस खुद बनाइए आप सब बच्चे, बहुत सिंपल है, सब बच्चे बहुत इजीली इक्वेशन बना लेंगे, डरेंगे नहीं, प्लीज सब बच्चे, शाबाश। देखिए बहुत सिंपल इक्वेशन है, अगर आप कुछ भी ना पढ़े तब भी इक्वेशन बन सकती है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of rupees of grapes is ₹300. Represent this situation algebraically and geometrically. Okay, sir. Done, sir. Very nice. Done, sir. Good, shabash. और बताइए बुरहान, आपसे हो गया ये? यस सर, हो गया। यस सर। शाबाश। तौहीद? यस सर। हो गया बेटे? यस सर। गुड, शाबाश। सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, इतना ही टाइम चाहिए था, बस यहाँ से देखें, 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए वे वाज फाउंड टू बी ₹160। तो अगर मैं ऐसे ही लिख दू ना बेटे, तो सिंपल रफली इक्वेशन आ रही है, 2 kg एप्पल्स 2x, 1 kg ग्रेप्स 1y, ₹160। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आनी है रफली। सब बच्चे बताइए यस और नो। जी सर। यस सर। 2 kg ऑफ एप्पल्स बेटे, तो 1 kg एप्पल की कॉस्ट अगर हम x कंसीडर करेंगे तो 2 kg की कॉस्ट 2x हो जाएगी। 1 kg grapes की कॉस्ट हम y लेंगे तो y लिखा जाएगा, तो 2x + y = 160, ये हमारे पास आना। After a month the cost of 4 kg of apples, तो ये हो जाएगा बेटे 4x and 2 kg of grapes 2y = ₹300। सब बच्चे बताइए यस और नो। यस सर। यस सर। तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप यहां से स्टार्ट करोगे, लेट 1 kg एप्पल कॉस्ट इज ₹x एंड 1 kg, ठीक है, ग्रेप्स कॉस्ट ₹y। सो केस 1 सिंपल, इतना ही लिखना है केस 1, और कुछ नहीं करना होता। 2x + y = 160 बेटे, यहाँ कुछ कॉमन ले नहीं सकते हैं। एंड केस 2 दैट इज 4x + 2y = 300, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन है बेटे सेकंड इक्वेशन में, 4x + 2y = 300, टू कॉमन, यस, तो होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2 या 2 कॉमन बेटे, जैसे भी आप समझो, तो इक्वेशन आ जाएगा बेटे 2x + y = 150। ये आपके पास सेकंड। अब अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो आप देख सकते हो a1 / a2 2/2 आएगा और 1 आ जाएगा, यानी कि b1 / b2 भी वो भी 1 आ जाएगा, लेकिन c1 / c2 इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिस्टम है नो सॉल्यूशन, लाइंस विल बी पैरेलल विद इट, बट अगर हम अलजेब्रिकली से सॉल्व करना चाहें
इसको मतलब इसका मतलब है हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते एलजेब्रिक, ठीक है। तो ये हमें करना था। चलो एक क्वेश्चन और बनाओ आप सब बच्चे, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आएगा इक्वेशंस भी फॉर्म करेंगे और सॉल्व भी करेंगे सब बच्चे। इतना छोटा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सब बच्चे माशाल्लाह से ट्राई करेंगे और यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे आप। चलिए शाबाश करिए बेटे। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेंस टुगेदर कॉस्ट ₹15, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेंस टुगेदर कॉस्ट ₹46। अब यहाँ इस तरह से क्वेश्चन आएगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल and that of one pen. तो जो भी बेटे word problems में आपको find करने के लिए कहता है, वहीं से अपना question start करते हैं। जब कह रहा है find the cost, तो हम यहीं से suppose करेंगे let the cost of one pencil be x and one pen be y. यहाँ से हम अपना question start करते हैं। करो शाबाश, एक बार आप सब बच्चे करिए, x y find करिए। बहुत आसानी से आपको इंटरेस्टिंग लगेगा चैप्टर, और अगर आपने ये वर्ड प्रॉब्लम्स कर लिए बेटे तो चैप्टर 4 के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स यही हैं। उसमें यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनती है, वहाँ 1 इक्वेशन बनती है, वो आपको और इजी लगेगा। तो अगर आपने चैप्टर 3 कर लिया बच्चे तो चैप्टर 4 तो समझो फ्री में हो गया, फिर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के कॉम्बिनेशन से चैप्टर 4 इजीली सॉल्व हो जाएगा। रवि आंसर दो बेटे मुझे जल्दी से, संगे मित्रा आंसर दीजिए बेटे आप, अच्छा एक्स वाई बताइए। नौमान आंसर दीजिए बेटे, जो बच्चे थोड़ा सा स्पीड कम है वो स्पीड थोड़ा सा बढ़ाएंगे बेटे। सिफत आंसर दीजिए बेटे। रोही आप क्लास क्यों नहीं करते हो बेटे डेली? रोही रेगुलर रहिए बेटे प्लीज, सब बच्चे तभी कुछ सीख पाएंगे। एन की वैल्यू -2 आ रही है, एन की कॉस्ट ₹2 जी। सर y is equal to 5 and x is equal to 3. शाबाश। Yes sir, y is equal to 5 and x is equal to 3. बहुत अच्छा। आइए शाबाश, अब आप देखिए आपसे क्या कह रहा था बेटे, आपसे कह रहा था let, बहुत ही सिंपल, 1 pencil cost x rupees, 1 pen cost y rupees, ठीक है बेटे, case 1, 7x, sorry 5x, 5x, 7y is equals to 50, case 2, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। चलो एक इंटरेस्टिंग चीज सीखो बेटे सब बच्चे प्लीज, सब इधर देखो सब बच्चे, मजा आएगा आपको। अगर आप इन इक्वेशंस को देखोगे तो क्या चीज नजर आ रही है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग जिसे कहना चाहिए, डिफरेंट इक्वेशंस हैं कुछ इनमें, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है कुछ, क्या आपको लग रहा है?
अपोजिट कह लीजिए या कहिए बेटे कि कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो y का कोफिशिएंट हो गया, और सेकंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो फर्स्ट का x का कोफिशिएंट हो गया। यस और नो? विद साइन, विद साइन बेटे। यहाँ अगर 5 है तो यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ अगर 7 था बेटे फर्स्ट में तो यहाँ 7 आ गया। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका सिखा रहा हूँ। अभी तो आप सब बच्चों ने 5 और 7 से मल्टीप्लाई किया होगा। अब इसका मेथड सीख लीजिए, क्वेश्चन आ गया, आपकी बुक में भी है, वहां हम डिस्कस नहीं कर पाए। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है बेटे, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। व्हेन कोएफिशिएंट्स आर इंटरचेंजिंग, तो आपको क्या करना है, देखो कितना इजी सॉल्व होगा। अभी हमें क्या करना होता है, हम इन इक्वेशन को प्लस कर देते हैं बेटे एक बार, 1 + 2। तो आपके पास क्या आएगा बेटे, आपके पास आएगा 12x। और वैसे भी ये तो हमारे पास वन डिजिट में थे, तो जो आपने किया उससे आसानी से हो सकता था, लेकिन अभी एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें आप अगर एलिमिनेशन से करना चाहोगे तो वो मुश्किल लगेगा। प्लस 12y इज इक्वल्स टू 96। तो जब भी ऐसे इक्वेशंस में इंटरचेंज हो रहे होंगे कोफिशिएंट, तो जैसे ही आप प्लस करोगे तो समथिंग विल बी कॉमन, तो यहाँ पे 12 कॉमन आ जाएगा और इक्वेशन हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 8। और ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड। यस और नो? सब बच्चे बताओ। yes, अब आप इन इक्वेशंस को बेटे माइनस कर दीजिए, 1 - 2। एक बार प्लस करिए और एक बार माइनस करिए, फिर देखिए कितने सिंपल इक्वेशंस हो जाते हैं। तो अब आप बच्चे बताओ 5x माइनस 7x क्या आएगा बेटे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे नजर रखिए, 5x माइनस 7x, माइनस कर रहे हो तो बेटे साइन चेंज होता है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस 7 माइनस 2 एंड 7 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 2y एंड 50 माइनस 46 बेटे 4। अगेन समथिंग विल बी कॉमन, अगेन वेरी सिंपल इक्वेशंस, 2 से डिवाइड कर दीजिए, देन वी हैव माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, दैट इज अवर फोर्थ इक्वेशन। अब आप खुद चेक करो, थर्ड एंड फोर्थ को देखो बस। अब तो एक बार इन थर्ड, आपके पास x का कोफिशिएंट भी सेम आ गया और y का कोफिशिएंट भी बेटे सेम आ जाता है इस तरह से। तो अब हम थर्ड प्लस फोर्थ कर दें, कुछ भी नहीं करना है, ना प्लस करना ना माइनस करना, ये ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड, सिंपल इक्वेशंस आती है। थर्ड फोर्थ करोगे कैंसिल, तो x x कैंसिल, 2y इज इक्वल्स टू 10 एंड y इज इक्वल्स टू 5। और अगर थर्ड माइनस 4 कर दो बेटे, तो उस केस में क्या होगा, x x 2x हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2x y कैंसिल एंड 8 माइनस 2 इज 6, आपने माइनस किया है, तो x इज इक्वल्स टू 3। तो ये आंसर है। तो आप खुद देखो ये इक्वेशन, सिर्फ इन इक्वेशंस को ध्यान रखिए, 7x प्लस, ये हमारी इक्वेशंस थी। ऐसे अगर दो इक्वेशंस हमारे पास कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हो तो आप एक बार उन इक्वेशंस को प्लस करेंगे, एक बार इक्वेशंस को माइनस करेंगे, तो सिंपल एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई आएगा, सिंपल सारी क्वेश्चंस में। फिर उन इक्वेशंस को प्लस करिए और माइनस कर दीजिए, तो ये बस। तो इस क्वेश्चन को बेटे सब बच्चे सॉल्व कर लो, लिख लो जरा, और फिर पहले इस तरह का एक लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशंस वाला लेते हैं, फिर दूसरा करते हैं। करो शाबाश, ये लिखो जरा सब बच्चे। नोट करो सब बच्चे ध्यान से। सेवन या एट टॉपिक्स हैं बच्चे टोटल, फिर आप कोई भी बुक से कोई भी वर्ड प्रॉब्लम कर सकते हैं, मतलब कॉस्ट बेस्ड, एज बेस्ड, टू डिजिट नंबर बेस्ड, एरिया बेस्ड, ठीक है। देयर विल इन सम क्वेश्चंस वन इज वेरिएबल वन इज कांस्टेंट, इस तरह से स्पीड डिस्टेंस टाइम वर्क एंड टाइम, तो ये अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, हम कैटेगरी वाइज ही करेंगे, तो कैटेगरी वाइज करेंगे तो आपको फायदा होगा, आपको एक टॉपिक पे कमांड हो जाएगी कि हाँ मुझे कॉस्ट वाले आ गए, मुझे एज वाले आ गए, उससे आपको अच्छा लगेगा। जी
आयशना अल्लाह का शुक्र है शादा भाई। भाई वो आई नहीं मेरे पास जब से, आज मैंने इतना सारा काम कराया दूसरी जगह से, वो आएंगे तो मैं देखूंगा। भेज दीजिए चलो इंशाल्लाह जी। बताइए जी, उर्दू नहीं होता शायद भाई इसको जी 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 आ रहे थे चलिए बेहतर है बताऊंगा इंशाल्लाह। जी जी हो गया बेटे। यस सर। ये देखो ये क्वेश्चन आप बेटे एलिमिनेशन से नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे हमें ये रूल अप्लाई करना पड़ता है व्हेन कोफिशिएंट्स आर इंटरचेंजिंग, तो इक्वेशंस को सिंपली प्लस करिए माइनस करिए। देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, मैंने आपसे कहा था ऑप्शनल में क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ ये क्वेश्चन है। सब बच्चे देखो एक साथ में ये क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सभी बच्चे देखिए ये हमारे पास है। अब आप खुद बताओ बेटे अगर आपको ये मेरे पास क्वेश्चन है 152x माइनस 378y इज इक्वल्स टू माइनस 74 एंड सेकेंड इक्वेशन है माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल्स टू माइनस 604। अब सब बच्चे बताओ अगर मुझे इसको एलिमिनेशन से करना पड़े या सब्स्टिट्यूशन से करना पड़े तो दे आर थ्री डिजिट नंबर्स, तो अगर हमें थ्री डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा डिवाइड करना होगा तो एक टिपिकल टास्क हो जाएगा। यस सर नो, लेकिन आप अगेन इसको अगर चेक करोगे बेटे तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि 152 यहाँ है तो 152 यहाँ है, x का कोफिशिएंट y के पास आ गया एंड विद साइन माइनस 378y बेटे माइनस 378x हो गया। ये ध्यान रखना है कि अगर साइन भी है तो साइन भी सेम ही उसी के साथ जाएगा, अगर 378 ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में फिर ये सॉल्व नहीं। अब सब बच्चे बहुत इजीली, अब इससे डरना नहीं है, चाहे थ्री डिजिट की जगह ये फाइव डिजिट भी हो जाता, आप इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दो यहीं के यहीं 1 + 2। ठीक है बताओ 1 + 2 क्या आएगा, 152 आप ही करेंगे, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ 152 माइनस 378 माइनस 226 -226 शाबाश, तो आपके पास आ गया बेटे -226x। अब बताओ y में भी सेम नंबर है -378 +152, तो यहाँ पे भी क्या आएगा -226y। यस -226y। अच्छा राइट साइड क्या आएगा, आपने प्लस किया है -74 एंड -604 होल इक्वेशन बेटे बाई -226। तो अगर -226 से डिवाइड करोगे बेटे तो फर्स्ट भी प्लस में हो जाएगा, सेकेंड भी प्लस में हो जाएगा और राइट साइड भी थ्री हो जाएगा। और जो मैंने आपसे कहा है सिंपल x प्लस वाई और x माइनस वाई में इक्वेशन आएंगी दोनों, तो आपकी इक्वेशन आई x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यस और नो? यस सर। अब दोनों इक्वेशंस को 1 एंड 2 को इस बार बेटे आप माइनस करो 1 - 2। अब माइनस 2 करते हो तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटे, और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो बताओ 152 प्लस 378 क्या होगा। सुहेब बताओ बेटे आप 152 प्लस 378 क्या होगा बच्चे? 530 है भाई, 820 और 75 12 113
एंड 31415 तो 530x और 378 माइनस वाई है और माइनस 152y है तो ये भी 530 ही होगा बेटे माइनस 530y एंड 604 प्लस में है एंड 74 माइनस में है तो आई थिंक ये भी 530 ही होना चाहिए यस और नो यस सर व्हाट इज कॉमन नाउ 530 यस तो डिवाइडेड बाय 530 होल इक्वेशन आपके पास क्या आएगा बेटे x माइनस y इज इक्वल टू 1 यस और नो यस सर कोई आपको एलिमिनेशन के लिए एलसीएम नहीं लेना पड़ रहा है कोई आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा है अब सब बच्चे सिर्फ 3 एंड 4th इक्वेशन को देखो x plus y एंड x minus y आप चाहें तो इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर सकते हैं 3 plus 4 y y कैंसिल 2x is equals to 4 एंड x is equals to 2 यस और नो यस सर आप चाहो x की वैल्यू पुट कर दो आप चाहो तो इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो थर्ड माइनस 4 ठीक है माइनस करते हैं तो x माइनस का होगा y प्लस का होगा 1 माइनस का होगा ऐसे करना पड़ता है तो x x कैंसिल y और y 2y एंड 3 माइनस 1 2 तो सिंपली y इज इक्वल्स टू 1 यस और नो यस सर यस सर सब बच्चे इसे सॉल्व करो जरा पेपर पे खुद से चलो शाबाश देखो सुन ले जी बेटे आइए आवाज नहीं है यार मसला सर लिंक आ गई नेक्स्ट क्लास दूसरी क्लास का साइंस की अभी वेट करेंगे मैं बोल रहा हूँ ओके देखो अब ये कॉस्ट और ये वाले क्वेश्चन सब आप इजीली कर सकते सब बच्चे एनालिसिस की इक्वेशन बनाओ सेवन एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड वेरी गुड शाबाश वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल्स टू वन सेवन यस गुड सब बच्चे बताओ सबको समझ में आया यस सर यस सर बच्चे तो बहुत सारे हैं आवाज दो तीन की आती है सब बच्चे किसी से कम नहीं है कोई भी बच्चा किसी से कम नहीं यू आर यूनिक अल्हम्दुलिल्लाह सात कितनी 700 करोड़ की पॉपुलेशन है और सेवन पीपल भी सेम नहीं होते सेम वो भी फेस के हिसाब से अदरवाइज वॉइस की अगर मैं बात करूँ पर्सनैलिटी की बात करूँ तो वो तो होता ही नहीं तो आप जैसा कोई नहीं है माशाल्लाह तो अपने आप को कम मत समझा कीजिए कॉन्फिडेंस रखा कीजिए और फिर किया कीजिए तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन आएगी बेटे 7x plus 6y is equals to 3800 इससे पहले सब बच्चे लिख सकते हैं let one bad cos be x
one ball cost be y. और दूसरी आएगी she by three bats. तो 3x plus 5y is equals to 1750. ये मतलब सेकंड. सॉल्व कर सकते हैं ना सब बच्चे? Yes sir. तो ये आज के लिए हमारी क्लास है. कल इंशाल्लाह 2 or 3 टॉपिक्स, स्पेशली इंशाल्लाह एज वाले क्वेश्चंस कल क्लास भी लेंगे और टेस्ट भी लेंगे. एज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह. और हम कौन से करेंगे? एरिया वाले करेंगे, एरिया बेस्ड. 2 or 3 टॉपिक्स हम कल करेंगे. और एक हमारे पास होता है 2-डिजिट नंबर, नहीं फ्रैक्शन वाला करेंगे इसके साथ. फ्रैक्शन थोड़ा इजी हो जाएगा. ये 3 क्वेश्चन हम करेंगे इंशाल्लाह. थोड़ा सा बेटे रेगुलर रहिए. जो बच्चे क्लास में नहीं आते तो कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहेंगे इंशाल्लाह. कर लेंगे. अब्दुल राफे. यस सर. आप क्लास में रेगुलर नहीं है ना सर? अब तो जाऊंगा सर इंशाल्लाह. वेरी गुड. हाँ प्लीज सब बच्चे रेगुलर हो जाइए तो आपको समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा पढ़ते. वैसा नहीं कि मुश्किल होगी, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मजा नहीं आएगा, मजा आएगा. ठीक है सर, कोशिश करेंगे. यस सर प्लीज. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.